नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजेएनएन न्यूज और हमारे इस खास शो द रियल टेस्ट में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन इस टेस्ट के लिए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। वो इसलिए क्योंकि आज रिजर्व डे है, आखिरी दिन है, और जिस हिसाब से ये मैच चल रहा है, जिस इंटरेस्टिंग मोड पर ये मैच आ चुका है, तो आज का दिन तय कर देगा कि आखिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सिरमौर कौन है, भारत, न्यूजीलैंड या फिर संयुक्त विजेता के तौर पर ये दोनों ही टीम विजयी घोषित होगी। लेकिन जिस अंदाज में भारतीय टीम ने, भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड पर पलटवार किया है, निश्चित तौर पर तारीफ करना होगी। जिस कंडीशंस का फायदा उठाया है, अपनी जो पुरानी गलतियां थी उससे सबक लेते हुए जिस तरीके से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को परेशान किया, खासतौर पर बात की जाए मोहम्मद शामी की, हमारे एक्सपर्ट ने पहले ही बताया था कि अगर कोई की फैक्टर यहां साबित हो सकता है तो मोहम्मद शामी, क्योंकि सबसे ज्यादा मूव यदि किसी गेंदबाज की गेंद हो रही थी भारतीय खेमे में तो वो मोहम्मद शामी थे। 4 विकेट उन्होंने हासिल किए। और अब आज का दिन भारतीय टीम के बल्लेबाज क्रिज पर है, विराट कोहली कप्तान, शानदार बल्लेबाज, और उनका साथ देने के लिए टेस्ट के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी माने जाने वाले चेतेश्वर पुजारा क्रिज पर है। देखना खास होगा कि आखिर ये दोनों बल्लेबाज किस हद तक आज क्रिज पर डटे रहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से गेंदबाजों को मदद मिल रही है वहां निश्चित तौर पर बल्लेबाजों के लिए परेशानी बनी हुई है। क्या कुछ खास हो सकता है, जानते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सुखदेव सिंह गुम्मन सर मौजूद है, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अभिषेक। देवाशीष निलोचे सर मौजूद है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर आप लगातार मोहम्मद शामी के बारे में, मैं डे वन से सुन रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं मान रहे थे कि ये खिलाड़ी की फैक्टर साबित होगा, और कल उस खिलाड़ी ने करके भी बता दिया था, सुपर शामी। बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम इंडियन टीम में बॉलिंग लाइनअप देखेंगे तो पिछले लगभग 3 वर्षों से मोहम्मद शामी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते चले आए हैं, और अगर आप देखेंगे तो वो एक ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने हर समय, हर वो 2020 हो, वो 50 ओवर मैच हो, वो टेस्ट मैच हो, तो रेगुलर विकेट वो लेते रहते हैं। He has a knack of picking of wickets. जब भी विकेट नहीं गिरता है तो कप्तान बॉल उसकी तरफ फेंकता है कि आप जाएं और मेरे लिए विकेट लेकर आएं, और बार बार वो करते चले आए हैं। और हमने पहले भी देखा था कि जब कल बॉलिंग कर रहे थे, इंडिया बॉलिंग कर रही थी, तो वो बहुत अनफॉर्चुनेट थे कि बहुत सारी बॉल जो है स्टंप्स के बिल्कुल नज़दीक से गई, बहुत सारी जो एज लगने के बाद फील्डर के आसपास गिर गई, कैच नहीं हुआ। तो उनकी बॉलिंग का स्टाइल देखते हुए और कंडीशन देखते समय हम बार बार यही बोल रहे थे, बैकअप कर रहे थे कि हमारे 3 सीमर में से अगर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कोई इस विकेट पर हो सकता है तो मोहम्मद शामी हो सकता है। जहाँ तक हम निशांत शर्मा की भी बात करेंगे तो जो उसको डेविएशन मिलता है स्विंग का, हम स्विंग के लिए जब बॉल पड़ने के बाद डेविएट होती है तो उसका कुछ डिग्री नापते हैं। डिग्री में अगर हम देखेंगे तो साउथ टिम साउथी जो है उसको लगभग 0.08% डेविएशन मिलता है, और वेरेज अगर हम ईशांत शर्मा की बॉल पर देखें तो उसको 1.7%, जो कि लगभग डबल स्विंग उससे ज़्यादा मिलता है। बट अनफॉर्चुनेटली कंडीशंस को कैपिटलाइज हम लोग पहली परसों नहीं कर पाए, जिसके तहत न्यूजीलैंड ने 101 रन बनाए था और हिंदुस्तान सिर्फ 2 ही विकेट ले पाया था। हमने बार बार कहा था कि जिस तरह से पहली इनिंग में न्यूजीलैंड ने अपनी गलतियों से सीखा कि फर्स्ट डे के ऊपर इंडिया 146 रन पे 3 विकेट थे और लग रहा था कि 350 रन से पार जाएंगे, तो उन्होंने 71 रन देकर 7 विकेट लिए थे। उसी तरह से कल का सेशन भी हमने कल भी कहा था कि इंडियन थिंक टैंक जो है वो बैठेगा, बात करेगा, बॉलर्स को समझाएगा कि आप किस लेंथ पे गलत बॉलिंग कर रहे हैं या किस पर्टिकुलर लाइन और लेंथ पे किस बल्लेबाज को बॉलिंग करनी चाहिए, वैसा वो करेंगे, और वैसा ही किया। और कल क्योंकि थोड़ा ड्रिजल भी हुआ था, कंडीशंस भी हैवी थी, बॉलर्स को सपोर्ट कर रही थी, और इंडियन बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग करके न्यूजीलैंड, जो कि एक समय पर लग रहा था कि इस मैच को लेके भाग जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, हिंदुस्तान को पीछे छोड़ जाएगा, हम लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा मैच सेव करने के लिए, एक मीगर सी लीड 32 रन की लीड इन्होंने कंसीड करी। वो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्योंकि हम सिर्फ 3 सीमर से खेले थे और 3 सीमर लगभग उस समय थक चुके थे जब काइल जेमिसन और सऊदी, टिम सऊदी जो है उनके ऊपर चांस ले रहे थे, मतलब वो कोई टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, जब उनको भी लग रहा था कि हमें रन बनाने हैं और विकेट कम बचे हुए हैं, और जो भी लीड लेंगे इस तरह के डिफिकल्ट विकेट के ऊपर वो लीड जो है बहुत कारगर सिद्ध होगी। उन कंडीशन में देखते हुए जब हम सोच रहे थे कि एक समय में ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि इंडिया कुछ लीड ले ले, बट जो लोअर मिडिल ऑर्डर था न्यूजीलैंड का
उन लोगों ने अच्छी बैटिंग करी और मुझे लगता है कि इस अभी तक के मैच में, और इवन अगर हम पहले दो मैच जो न्यूजीलैंड में खेल कर आए थे, इंडिया जब न्यूजीलैंड विजिट किया था तो हम दो मैचेस वहां हारे थे, और वहां पे भी एक डिफरेंस रहा था कि हमारी लास्ट की 5 विकेट और उनकी लास्ट 5 विकेट दोनों में रन बनाने का डिफरेंस काफी था। हम इस मैच में भी अगर देखेंगे तो हमारे 5 विकेट लास्ट जो है 61 रन पे गिरे थे और न्यूजीलैंड के जो लास्ट 5 विकेट थे उन्होंने लगभग 114 रन बनाए। तो ये जो डिफेंस आता है आपके लोअर मिडिल ऑर्डर आपको बैटिंग में कंट्रीब्यूट करता है, वो कहीं ना कहीं मैच के निर्णय में आपको हेल्प करता है। जहां तक कहा जाए मोहम्मद शमी का, तो हम ऑलवेज उसको बहुत हाई रेट करते हैं, एक सीजन कैंपेनर है इंडिया के लिए, और उम्मीद करते हैं कि सेकेंड इनिंग में भी अगर जब मौका मिलेगा खेलने का तो मुझे लगता है कि वो इंडिया के लिए बहुत अच्छे विकेट लेंगे। देवाशीष सर, हम लगातार कल भी मोहम्मद शमी की बात कर रहे थे, जिस अंदाज में इस खिलाड़ी ने गेंदबाजी की है न्यूजीलैंड के लिए बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी की, और खासतौर पर बॉटलिंग को जिस अंदाज में क्लीन बोल्ड किया, वो एक ऐतिहासिक गेंद, क्या कहेंगे सुपर शमी को लेकर? देखिए हाँ, सबसे बड़ी चीज है कि आपको एनालाइज करना आना चाहिए, और जो बखूबी से जो कंडीशंस थी, जो विकेट की पोजीशन थी, स्थिति थी, उसको एनालाइज किया और अपनी लिमिटेशन में रह के बॉल किया। जब भी आप शमी को देख रहे थे, शमी का जो रिलीज है, रिलीज पॉइंट बहुत अच्छा है, हाई आर्म एक्शन है और ऊपर से रिलीज होता है, और जो रिवॉल्व करता है, जो रोटेशन है, जो बैकस्पिन है, वो बहुत अच्छा बैकस्पिन मिलता है, और आप आगे से खिलाते हैं, जब आप पूरा मौका देते हैं बॉल को मूव करने का, तो उस कंडीशन में अगर उसको आप प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके बॉलिंग करते हैं तो निश्चित तौर पे आप रिजल्ट बहुत अच्छा दे पाते हैं। शमी को हमने हमेशा मैं कहता हूँ कि जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं उसमें जितना उसको रेट करना चाहिए, हम मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अंडररेटेड होते हैं। बाकी बहुत इफेक्टिव, आप देखिए बॉल अंदर बाहर जो कॉम्बिनेशन है, और जिस तरह से बोल्ड भी किए हैं ये दोनों बोल्ड जो हैं, और पूरे समय आप परेशान करते रहे। खूबसूरती वही है कि आप अनप्रिडिक्टेबल जो था आपका लाइन लेंथ, बैट्समैन जब बैटिंग कर रहा था तो जब भी शमी के सामने अगर होते थे बैट्समैन, वो चाहे आपके केन विलियमसन हो या रॉस टेलर हो या और भी इनके बैट्समैन हो न्यूजीलैंडर्स, लेकिन वो कभी भी कंफर्ट फील नहीं कर पा रहे थे। जबकि बुमराह और ईशान ने जो बाद में, जैसे सुखदेव भाई ने बताया कि ईशान ने बाद में बहुत अच्छा स्पेल फेंका, बॉल को आगे से मूव कराया, और लेकिन जब ये दोनों को वो खेल रहे थे तो उतना अनकंफर्टेबल वो फील नहीं कर रहे थे, जो आप उनके चेहरे से भी देख सकते हैं कि जब वो शमी के लिए आते थे तो शमी को एक्स्ट्रा कॉशियस होकर उनको खेलना पड़ता था। तो मुझे लगता है कि और जैसे हमने भी बात की कि शमी ने एक एग्जाम्पल सेट किया इन लोगों के लिए, दोनों बॉलर्स के लिए, और पार्टनरशिप वाली बात भी हमने की थी, तो वहाँ जब ये बैठे होंगे आपस में और बात की होगी कि क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, या स्ट्रैटेजी बॉलर्स भी बनाते हैं बैठ के कि हमको और क्या करना चाहिए, कैसे आउट करना है इनको, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे क्या होता है कि जब सारा दारोमदार आपका बॉलिंग पे आ जाता है, क्योंकि कंडीशन आपके फेवर में है और फास्ट बॉलर्स के लिए खासकर विकेट आपके फेवर में है, तो क्या होता है कि फिर ब्लेम आप पे ही होता है कि यार आपके लिए जब ये सारी फेवरेबल कंडीशन थी तो आपने डिलीवर क्यों नहीं किया, तो वहाँ एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। तो मुझे लगता है कि ये सारे पार्टनरशिप हुई होगी, बैठे होंगे और बात की होगी कि इस विकेट को, इस कंडीशन को हमको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे यूज करना है, और जहाँ पे अनिश्चितताओं का पूरा दौर चलता है, जब वहाँ कब खेल शुरू होगा, कब बंद हो जाएगा, ये जब अनिश्चितता रहती है तो बैट्समैन के बैक ऑफ माइंड में, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया कि बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, फोकस पूरे समय नहीं हो पाता है, उसका एडवांटेज यहाँ बॉलर्स को मिलता है। देखिए बॉलर्स को भी लय बिगड़ती है, अगर मैं 5 ओवर मैंने फेंके हैं और एक बहुत अच्छा रिदम मुझे मिला है और सडनली ब्रेक हो जाता है, तो ब्रेक जब होता है तो मुझे भी वापस आने के लिए वो रिदम चाहिए। ऐसा नहीं कि बैट्समैन को परेशानी होती है, लेकिन बॉलर को भी वो रिदम लाने के लिए फिर जीरो स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है। तो ये रियल टेस्ट जो हमने नाम दिया है, ये वाकई रियल टेस्ट है, और यहाँ पे सारे चीज़ों का आकलन हो रहा है कि आप टेक्निकल, आपका स्किल है, आपका फिजिकल है, प्लस आपका मेंटल स्ट्रेंथ। तो ये सही मायने में जो ICC का टेस्ट चैंपियनशिप है, ये सही मायने में है, और मुझे अभी तक जो हम कह सकते हैं कि दोनों टीमें इक्वली प्लेटफॉर्म पे हैं। सीसॉ जो हमने बात की थी कि हम ये नहीं कह सकते कि किसका अपर हैंड होगा, कब मैच का रुख बदलेगा, कब किसके फेवर में जाएगा, कब किसके अगेंस्ट में जाएगा,
लेकिन हाँ, दोनों टीमें यहाँ दिखा रही हैं कि हम कैसे लड़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, और गिवअप वाली चीज नहीं है, क्योंकि यही होता है कि जब कठिनाइयां, तकलीफ वाली जो चीज होती है, कंडीशंस होती है, उसमें अगर आप अच्छा करते हो, कैसे उभार पाते, कैसे उभार पाते हो और अच्छा परफॉर्म करते हो, तो वो मार्क हमेशा याद रहता है। ये टेस्ट मैच हमेशा याद किया जाएगा, और पहला इसलिए नहीं, लेकिन इस टफ कंडीशन में जो बैट्समैन अप्लाई कर रहे हैं, इस कंडीशन में जो बॉलर्स अपने आप को अप्लाई कर रहे हैं, फील्डिंग पे आप देखिए हमारे जो फील्डिंग इंडियन टीम ने की है, एक्स्ट्रॉर्डनरी, मतलब कोई ऐसा कोई कैच नहीं छूटा है, कोई फील्डिंग नहीं, एक्स्ट्रॉर्डनरी कैचेज उठाए हैं। तो यही जब सपोर्ट बॉलर्स को अपने फील्डर्स का मिलता है, तो निश्चित तौर पे एक हौसला और बढ़ जाता है, एंथुसियाज्म आता है, और ज़्यादा अच्छा डिलीवर करते हैं। तो इंटरेस्टिंग है, पहला सेशन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूरा सारा दारोमदार पहले सेशन पर है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस अंदाज में दोनों टीमें आपस में भिड़ी है, वो बता रहे हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इतिहास रचना। लेकिन यहाँ भारतीय टीम की तारीफ करना पड़ेगी, क्योंकि इंग्लैंड की कंडीशन से न्यूजीलैंड भली भांति परिचित थी। हालिया टूर्नामेंट यहीं पर खेला था, इंग्लैंड के खिलाफ जीत हासिल की थी, हौसले बुलंद थे, जबकि दूसरी तरफ भारतीय टीम ने पिछले लंबे समय से टेस्ट मैच नहीं खेला था। उसके बावजूद इन खिलाड़ियों ने जिस अंदाज में कंडीशंस के अनुरूप अपने आप को ढाला है, कभी उतार कभी चढ़ाव, लेकिन बावजूद उसके अपने मनोबल और अपने आत्मविश्वास के आधार पर जिस अंदाज में न्यूजीलैंड की टीम के हौसलों पर प्रहार किया है, निश्चित तौर पर विराट सेना की तारीफ करना होगी। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, हम बार बार कहते चले आए थे कि इंग्लिश कंडीशंस जो हैं वो बिल्कुल टेस्टिंग एंड ट्रायल वाली हैं, और वहाँ पे वो ही बल्लेबाज या वो ही गेंदबाज सक्सेसफुल होता है जो वहाँ पे समय देता है, अपने आप को एक्लेमेटाइज करता है और फिर उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस देता है। हिंदुस्तान के लिए जब टीम गई तो 8-10 दिन वहाँ पे रही, तो एक एडवांटेज जरूर हम कहेंगे कि उनको ये रहा कि वो इसी ग्राउंड पे 8-10 दिन उन्होंने प्रैक्टिस करी। तो जब आप एक पर्टिकुलर ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको बहुत सारे वहाँ की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, जो विकेट है वो किस तरह से खेलेगी, या पांचवें दिन छठे दिन आपको क्या फायदा मिलेगा, उन सब के लिए आप ज्यादा अच्छा आकलन कर सकते हैं एज कम्पेयर टू दूसरी टीम जो 2 दिन पहले ही वहाँ, 3 दिन पहले आती है, आपके नेट प्रैक्टिस करती है, थोड़ा अपने आप जायजा लेती है। बट जितनी भी तारीफ इंडियन टीम की जाए वो उतनी कम है कि इतने कम समय में एक्लेमेटाइज हो जाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा काम है। बट जॉब अभी ओवर नहीं है, अभी हमको एक दिन अभी खेलना जरूरी है। अभी इस एक दिन में भी अगर हम कुछ इनके बारे में स्पेकुलेशन लगाएं तो क्या क्या हो सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहला ये कि फुल डे आज मैच होगा, 98 ओवर्स पूरे होने चाहिए, क्योंकि सनी डे है, लाइट का कोई इशू लग नहीं रहा, कोई रेनफॉल का वार्निंग नहीं है, शार्स का, थंडरस्टॉर्म का कोई वार्निंग नहीं है आज, तो एक प्रॉपर डे फुल डे क्रिकेट का मिलेगा देखने के लिए। अब उसके बाद में सेकंड बात, अगर हम जाएं, अगर हम इसके रिजल्ट पे जाएं, तो रिजल्ट में मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ड्रॉ इस समय फेवरेट है। क्यों फेवरेट है कि आपके पास 98 ओवर बचे हैं, और अभी सेकेंड इनिंग में इंडिया के सिर्फ 2 विकेट गिरे, 8 विकेट बाकी हैं, और उसके बाद में अगर हिंदुस्तान को जीतना है तो न्यूजीलैंड को सबको ऑल आउट करना होगा, सारे विकेट लेने होंगे। तो 98 ओवर जो है, और सनी कंडीशन है, सबसे बड़ी बात है। यहाँ मैं बार बार कहता चला आया हूँ कि इंग्लिश कंडीशन जो हैं वो कंडीशन अपने आप में डिफरेंट है। जब वहाँ सनी डे होता है, मतलब सन खुला होता है और धूप आती है और विकेट जो है एक डिफरेंट खेलता है, और जैसे ही क्लाउड कवर आता है तो उसी समय बल्लेबाजों के लिए शामत आ जाती है, बैटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वही विकेट जिस पे आपको लग रहा है कि रन पैराडाइज है, बॉल स्विंग नहीं हो रही है, वही ऑल ऑफ ए सडन लंबा लंबा स्विंग आपको मिलने लगता है बॉलर को, और बैट्समैन के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। कल अगर हम देखें तो इंडिया ने 30 ओवर्स खेले और 64 रन बनाए, 32 रन का हमारा डेफिसिट था, न्यूजीलैंड ने हमसे 32 रन की लीड ली थी, हमने 2 विकेट गवाकर 64 रन बनाए, मतलब 32 रन भारत आज आगे हैं। सिनेरियो की हम बात कर रहे थे, तो पहला सिनेरियो ये बनता है कि ड्रॉ हो सकता है मैच। ड्रॉ क्यों हो सकता है कि 98 ओवर्स हैं, 98 ओवर्स में से इंडिया अगर जब तक ऑल आउट नहीं होगी या डिक्लेयर नहीं करेगी तब तक न्यूजीलैंड की बैटिंग नहीं आएगी। तो मुझे लगता नहीं है कि कप्तान कोहली अभी इस मूड में होंगे कि कोई भी चेजेबल टारगेट न्यूजीलैंड को दिया जाए तो उनको हरा पाएं। दूसरी बात सिचुएशन जो बनती है वो ये बनती है कि न्यूजीलैंड इंडिया को बहुत जल्दी आउट कर दे, एक रीजनेबल स्कोर में आउट करेगी, 32 रन बने हैं, 100-150 रन और उनको बनाने 150 रन का टारगेट हो, और
150 रन उनको बनाने होंगे 60-70 ओवर में, जो टेस्ट मैच में आराम से बनाने के लिए पॉसिबल है। सेकंड सिनेरियो जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि पहला ड्रॉ की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं, पहला जो मेन मुझे दिखता है डिसीजन इसमें फोर्स होने का है वो ज्वाइंट विनर का ड्रॉ है। सेकंड जो है अगर न्यूजीलैंड इंडिया को जल्दी आउट करती है तो इंडिया जीत सकती है, और थर्डली मान लीजिए इंडिया अच्छी बैटिंग करती है और बैटिंग करने के बाद में लगभग 200 रन का टारगेट बना के और 30 ओवर में 35 ओवर में 40 ओवर में 40 ओवर खेलने के लिए इनको देती है, और उस केस में जहां हमने कल देखा हमारे दो स्पिनर ने भी लास्ट में 2 विकेट लिए, और विकेट जैसे जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि टेस्ट क्रिकेट में विकेट जैसे जैसे यूज होता है, लास्ट के जो भी डेज होते हैं फिफ्थ डे फोर्थ डे, रिजर्व तो डे होता नहीं है इसी में रखा गया है, फोर्थ और फिफ्थ डे में बॉल बहुत ज़्यादा स्पिन होने लगती है, और हमने कल भी जो 2 विकेट देखे, एक जडेजा ने लिया एक अश्विन ने लिया, उसमें कहीं ना कहीं हमको लगा कि स्पिन हो रही है। अगर ये विकेट स्पिनर्स को सपोर्ट करती है क्योंकि ड्राई रहेगा डे, बारिश होने वाली नहीं है, विकेट पे धूप आएगी वो क्रैक्स बढ़ेंगे थोड़ी बहुत जो है वो स्पिन के लिए और ज़्यादा होगी, तो इन केस अगर इंडियन स्पिनर्स, फिर कंडीशन बोल रहा हूँ जो कि इंग्लैंड में नहीं होता है, स्पिनर्स लीस्ट इफेक्टिव होते हैं इंग्लैंड में, बहुत ज़्यादा नहीं है, हाँ आपके पास बहुत रन है बहुत सारे ओवर हैं, फिर अगर आप एग्रेसिव फील्ड सेटिंग करते हैं और दूसरी टीम प्रेशर में आके स्कम्बल कर जाती है तो स्पिनर्स को वहाँ विकेट मिलते हैं। थर्ड सिनेरियो ये तब हो सकता है कि हिंदुस्तान न्यूजीलैंड को ऑल आउट कर दे और ये मैच जीत जाए, तो ये 3 सिनेरियो हैं जो मैं आपके साथ में मैंने डिस्कस किए। वैसे इस मैच की कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी हुई है, खासतौर पर जब इनिंग खत्म हुई है, अगर बात की जाए दोनों ही टीमों के 3 इनिंग की, तो जब भी मैच जिस दिन खत्म हुआ है उसके बाद कप्तान क्रीज पे जरूर मौजूद रहा है, और आज भी वही स्थिति है कि विराट कोहली मैदान में है। जब पहली इनिंग पहला डे था तब विराट कोहली मैदान पे थे, रजिंक रहाणे थे, उसके बाद न्यूजीलैंड की पहली पारी जब पहला दिन पूरा हुआ तब केन विलियमसन मैदान पर मौजूद थे, और कल की बात की जाए तो विराट कोहली मौजूद है क्रीज पर, तो ये भी अपने आप में यादगार क्षण है क्रिकेट से जुड़ा हुआ, क्या कहेंगे सर, लेकिन उसके बाद की बात की जाए तो गेंदबाज हावी होते हुए दिखाई दिए। देखिए इत्तेफाक है, ये सब आपको बहुत खूबसूरत इत्तेफाक देखने को मिलते हैं, ये भी एक बहुत नई चीज़ है, और मुझे लगता है कि ये अभिषेक ने ही मार्क किया है। थैंक यू सर। तो ये भी एक खूबसूरती होती है, कितने माइन्यूट ऑब्जर्वेशन आप रखते हैं। गेंदबाजों में निश्चित तौर पे एक फायदा जो बहुत रेयर केस में होता है कि इतना फेवरेबल सारी कंडीशन गेंदबाजों को कम मिलती है, मैं भी गेंदबाज रहा हूँ तो कभी ऐसा मिलता था तो बहुत बाछे खिल जाया करती थी, तो ये एक बहुत अच्छा खूबसूरत गेंदबाजों के लिए क्षण है। वही जिम्मेदारी भी बढ़ती है कि आपको जब आपके फेवरेबल चीज़ें आती हैं तो आपको थोड़ा सा अपने आप को अप्लाई ज़्यादा करना पड़ता है, यही एक बैटल है खूबसूरत, और यही खूबसूरती इस टेस्ट की है कि देखिए हमको कितना खूबसूरत 5 दिन में कहीं कभी भी ऐसा नहीं लगा, पानी और बैड लाइट की वजह से मैच रुका भी है, लेकिन जब जब मैच हुआ है तब आपको एक ऐसा लगा कि हाँ कुछ अलग सा है, हर बॉल कुछ नहीं है, कुछ एग्रेसिव क्रिकेट भी देखने को मिला है, कुछ खूबसूरती बॉलर्स की देखने को मिली है, बैट्समैन की खूबसूरती जो स्ट्रगल करके और जो अप्लाई करके और जो फोकस करके जो बैटिंग कर रहे थे वो भी एक क्लास, तो ओवरऑल बहुत अच्छा बैटल हमको देखने को मिला है। यहाँ पे जैसे सुखदेव भाई ने बताया कि पहला सेशन फिर बहुत इंपॉर्टेंट आता है, भारतीय टीम दोनों बहुत अच्छे सीजन बैट्समैन हैं, दोनों विकेट पे हैं, कैसे इस जो ये पहला सेशन है इसको कैसे खेलते हैं, अगर हम सर्वाइव करते हैं और कम से कम विकेट देते हैं तो, क्योंकि आप देखिए आप 32 रन वैसे ही हम थे तो 32 पे ही 2 विकेट हो चुके हैं हमारे, और लंबा हमें, क्योंकि क्या होता है जब आप मैच को बड़ी डायनेमिक स्थिति है कि रिजल्ट भी लाना है, कंडीशंस ऐसी नहीं है कि आपको बैटिंग के फेवर में आती है और आपको सर्वाइव भी करना है, तो जहाँ भी वो सर्वाइवल वाली चीज़ आती है वहाँ बैट्समैन के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक बॉल, हमने जैसे बात की एक बॉल होता है, एक बॉल कहीं भी कोई करिश्मा कर सकती है, तो यहाँ पे बड़ा पूरा एप्लीकेशन का खेल है, हमको इंडियन टीम को अप्लाई करना पड़ेगा बैटिंग में, बैटिंग कतई आसान नहीं है, उनके पास 4 बॉलर्स हैं बैक टू बैक आते हैं, जो हम बात कर रहे थे कि सुखदेव भाई ने बहुत अच्छा एक ऑब्जर्वेशन था
कि हम जिस चीज की बात कर रहे थे कि थोड़ा सा इंडियन टीम को, थिंक टैंक को थोड़ा सा पॉजिटिव और थोड़ा एग्रेसिव वहां दिखाना था, और उस चेंज को अगर लेके आते तो शायद कुछ और फर्क पड़ता। मतलब यही चीज होती है कि जो 32 रन की लीड जो हमको हम पे चढ़ी है, वो 50-60 रन की लीड हम ले सकते थे। तो एक एडिशनल एडवांटेज आप लेके चलते कि 50 रन की लीड आपके पास होती है, और प्लस आज 60 ये होते तो आप 100-125 के टारगेट पे होते, और फिर आपके पास मैच का एनालिसिस थोड़ा सा अलग तरीके से हम कर पाते। लेकिन फिर भी ये क्रुशियल पहला जो सेशन है वहाँ कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि वो भी बॉलर्स छोड़ेंगे नहीं, और हमको भी लड़ना है, भिड़ना है, आगे बढ़ना है वाली स्थिति है। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग सेशन। और देवाशीष की जो अभिषेक ने बोला है कि इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कैप्टन से रिलेटेड था, उसमें थोड़े से और फैक्ट शेयर करना चाहूँगा। पहले दिन जब कप्तान फर्स्ट डे के बाद में सेकंड डे के लिए खेलने के लिए आए थे, फर्स्ट डे तो हमारा वॉशआउट था, थर्ड डे को इनफैक्ट जो है, तो थर्ड डे में जब वो खेल रहे थे उस समय उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम था कि वो अपने इस 10 साल क्रिकेट कैरियर में 100 बनाकर इंडियन टीम को 350 रन पर ले जा पाए, जिसमें अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो गए। तीसरे चौथे ओवर में विराट कोहली का विकेट आ गया था। उसी तरह से सेकंड टाइम में अगर आप देखें कि जिस समय केन विलियमसन और रोज टेलर खेल रहे थे, तो रोज टेलर के लिए एक बहुत बड़ा रोल था कि वो अच्छी बैटिंग करते हुए ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया को कम से कम जीतने से बहुत दूर ले जाए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो इसमें सक्सेसफुल हुए। उन्होंने 49 रन की जो पारी खेली, और जितना सॉलिडली उन लोगों ने अपनी अपनी टीम को डिफेंड किया और अपने साथ टेलेंडर्स को ले जाके 32 रन की लीड ली, कहीं ना कहीं उन्होंने ये इंश्योर किया कि इंडिया जो है वो जीतने की पोजीशन में ना रहे। तो इसमें स्कोर दोनों में आप अगर कहें तो न्यूजीलैंड के कैप्टन की जो इनिंग थी, जिन कंडीशन में वो खेल रहे थे और जो उन्होंने तय किया था, उन्होंने कम से कम इंडिया का दूसरा हाथ कब से अभी दूर किया हुआ है। अब कप्तान कोहली के ऊपर वापस से आता है कि वो वन डाउन है इस वक्त, दोनों में से दोनों को एक एक पॉइंट दिया जाए तो कप्तान कोहली फेल हुए, उनको 0 पॉइंट दिया गया। न्यूजीलैंड की तरफ से केन विलियमसन ने अच्छी इनिंग खेली, और अच्छी खेलने के बाद में अपने टेलेंडर्स को साथ रोटेट करते हुए 32 रन की लीड ली, इस कारण से वो उनको मैं मेरी तरफ से 1 पॉइंट देता हूँ। वेरेज अगर आप देखें तो लगभग 50 रन की इनिंग कोहली ने भी खेली, बट वो उस समय उनके ऊपर दारोमदार था अपनी टीम को लंबा स्कोर ले जाने का, जो नहीं कर पाए। और यहाँ पे टेस्टिंग और ट्राइंग सर्कमस्टांसेस में केन विलियमसन ने जैसी इनिंग खेली, उनको ये पॉइंट दिया जाता है। आज कोहली के लिए फिर से एक मौका है कि क्या वो अपना विकेट इंटेक करके अपने बाकी प्लेयर्स के साथ में इंडिया को उस डेंजर जोन से बाहर ले जा सकते हैं। वी आर स्टिल फ्लोटिंग विद डेंजर। 32 रन है हमारे पास में, और मैं कह रहा हूं कि अगर उन्होंने 100-150 रन में हमको आउट कर दिया तो बहुत इजीली आज 150 रन वो बना लेंगे और क्लियर कट चैंपियंस हो जाएंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के। तो कप्तान कोहली के लिए एक बहुत बड़ा टास्क हाथ में है कि अपना विकेट ना गंवाएं, और साथ साथ में अपने साथ में जितने भी बल्लेबाज आएंगे उनको मोटिवेट करके रखें। कम से कम 200-250 रन का हमारे पास जब तक टोटल लीड नहीं होती, 32 हमारे पास हो चुके हैं, हमें 200 रन और बनाने हैं। 200 रन बनाने के बाद में हम सोच सकते हैं कि हम एक सेफ जोन में हैं, तब जाके हम कोशिश कर सकते हैं कि न्यूजीलैंड को अब आइए आप बल्लेबाज करिए, और आप में हिम्मत है तो जीत के दिखाई, नहीं तो हम आपको आउट करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर इतना जरूर कहना पड़ेगा कि यदि बारिश ने लगातार मुकाबले में खलल डाला है, उसके बावजूद भी हम ये मान रहे हैं कि मैच का नतीजा हमारे सामने आ सकता है, तो यकीन मानिए इससे अच्छी बैटल हमें इतने खास फाइनल मुकाबले में देखने को नहीं मिल सकती। तो फाइनल मुकाबले का भी फाइनल डे है आज, और अब तक की हम बात करें तो दोनों ही टीम डाल डाल पात पात, एक दिन इंडिया के नाम रहा, दूसरा दिन न्यूजीलैंड के नाम रहा। कल फिर इंडिया भारी पड़ती दिखाई दी, तो अब आज न्यूजीलैंड का दांव क्या होगा? शातिर कप्तान है, संयमित कप्तान है, चेहरे पर भाव नहीं आने देते हैं केन विलियमसन, तो जाहिर सी बात है आज क्या स्ट्रेटेजी होगी ये पूछ लेते हैं देवाशीष सर। देखिए प्रेशर बना के रखा हुआ है, और मैं जो समझता हूं कि उनकी स्ट्रेंथ है, देखिए वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं, स्विंग बॉलिंग उनकी स्ट्रेंथ है और उसी स्ट्रेंथ पे वो खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यही उनकी स्ट्रैटेजी होगी कि कैसे हम प्रेशर बनाए रखें, और इंडिया के अगर हम 2-1 विकेट बहुत जल्दी हासिल कर सकते हैं और एक छोटे से स्कोर को पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उनको, तो निश्चित तौर पे अगर आपको ज़्यादा ओवर्स खेलने को मिलते हैं तो आपके लिए जीतने की संभावनाएं बनती है। वहीं पे एक और स्थिति ये भी पैदा हो सकती है कि अगर इंडिया थोड़ा सा हम अच्छा खेल के और ऐसा एक टोटल उनको देते हैं जहाँ पे, जैसे बोलते हैं ना, गले की हड्डी की
आपको जीतने के लिए भी जाना है और मैच को बचाना भी है, दोनों दोनों तरफ है। 40-45 ओवर का मिलता है और 150 का टारगेट मिलता है, 160-170 का, और आपको कोशिश भी करना है जाने के लिए और आपको सर्वाइव भी करना है, क्योंकि ये मैच की कंडीशंस ऐसी है कि वहां अगर मैं ये सोच के जाऊं कि मैं सिर्फ सर्वाइव करना है मुझे, तो थोड़ा से प्रयास करके कर सकता हूं, लेकिन कौन सी बॉल कब कैसी बॉल आ जाए वो आप अनिश्चित है, तो उस बॉल पे आप अपना विकेट भी खो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए ये मैच वही जो सीसॉ है, ये कह पाना अभी से कि स्थिति क्या होगी बड़ा मुझे लगता है कि हमको वॉच करना चाहिए और पूरा मैच देखना चाहिए। देखने वो मजा है टेस्ट क्रिकेट का, वो मजा आप पूरा उठाइए, पूरा मैच देखिए, जो उतार चढ़ाव आएंगे, और जिस तरह से देखिए ये जिंदगी भी है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और यंगस्टर्स के लिए तो मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी यंगस्टर्स हैं, बडिंग क्रिकेटर्स हैं, दे शुड गो एंड वॉच द मैच, उनको मैच देखना चाहिए कि ये बैटल में बॉलर्स क्या होता है। आप सबसे पहले जो अपने अपोनेंट की दोनों तरफ आपको बॉलर्स की भी और बैट्समैन की भी एक दिमाग को पढ़ने की एक वो समझ में आता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। माइंड रीडिंग एक बहुत बड़ी चीज है, आप बाहर बैठ के भी दर्शक बन के भी उनके माइंड को रीड कर सकते हैं कि ये बॉल क्यों डाला या ये शॉट क्यों खेला या फील्ड क्यों लगाया और क्या अटैक है। ये बहुत जरूरी है बडिंग क्रिकेटर्स के लिए, पूरा मैच वॉच करना चाहिए कि प्लेयर्स किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं, किस तरह से लड़ रहे हैं, कैप्टन्स का मूव सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कैप्टन्स किस तरह से मूव कर रहे हैं, वो भी एक देखने वाली चीज है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा मैच होगा। वैसे सर एक चीज हम देखेंगे, यहाँ टॉस क्यों मायने रखता है, अगर टॉस केन विलियमसन ने जीता था वो निर्णय आज इसलिए भी सही साबित होते दिखाई दे रहा है कि यहाँ गेंदबाजों को फायदा है। तो ऐसी कंडीशन में फर्स्ट सेशन सामने विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा और ऐसे गेंदबाज है जिनके नाम भी बड़े हैं और दर्शन भी बड़े हैं, जेमिसन लंबी चौड़ी हाइट के खिलाड़ी, 5 विकेट लिए, इनफॉर्म गेंदबाज, कितनी मुसीबत कर सकते हैं आज इन बल्लेबाजों के। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ इंग्लिश कंडीशंस बहुत डाइसी हैं वहाँ जो खेलना है, बट बार बार हम बोलते हैं कि अगर ओवरकास्ट कंडीशंस होती है तो बॉलर के लिए हेल्प होती है, और यहाँ पे देखें तो आज बिल्कुल ड्राई और सनी डे है जिसमें बॉलर्स को हेल्प मिलना थोड़ा कम होगा। हम कल देखेंगे इंडियन इनिंग में अगर 30 ओवर अगर हम देखेंगे, मैंने वो मैच देखा था, उसमें से मुश्किल से कुछ बॉलें स्विंग हुई, और जबकि उससे पहले 30 ओवर हमने जो फर्स्ट इनिंग में देखे थे तो कोई मुश्किल से ऐसी बॉल थी जो स्विंग ना हुई हो, रिवर्स था बिल्कुल। और यही कारण है कि कल इंडियन बैट्समैन ने अच्छी सॉलिड बैटिंग करी, मैं तो बोलूंगा। अनफॉर्चुनेट रहे कि दोनों LBW आउट हुए टिम साउदी को। फिर से मैं बोलूंगा रोहित शर्मा ने जो बॉल छोड़ी उस समय, एक ओपनर को डिसाइसिव होना चाहिए, आपको पता ही नहीं है कि वो बॉल इन स्विंग आ रही है और आप उसे शोल्डर आर्म कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको लेग बिफोर विकेट किया जाता है। तो एक ओपनर का रोल बार बार मैं बोलता हूँ एक बहुत डिसाइसिव रोल होता है, स्पेशलिस्ट रोल होता है, और इन कंडीशन में तो आपको वैसे ही ओपनर की जरूरत है। अब 30 रन बना चुके हैं आप दूसरी बार भी, और बनाने के बाद में आप एक इन स्विंगर को छोड़ते हैं और LBW डिक्लेयर होते हैं। शुभम गिल एक यंगस्टर हैं, उनके बारे में अगर वो ऐसा करते हैं तो समझ में आता है कि ठीक है अभी बच्चे हैं, सीख रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं, उनसे इस तरह की गलती जो है वो एक्सेप्टेबल है। पर रोहित शर्मा जैसा सीजन प्लेयर जो इतना एक्सपीरियंस गेन कर चुका है, वो अगर इस तरह की अगर एक डिलीवरी के ऊपर विकेट गवा देंगे तो किस तरह से इंडिया उनके ऊपर बैंक करेगी। यही कुछ चीजें होती हैं जो आपकी टीम को विनर और लूजर के बीच में से डिफरेंशिएट कर सकती हैं। वहीं अगर हम देखेंगे दोनों टीम को, अगर मैं कंपैरिजन करूं बैटिंग में और बॉलिंग में, तो मुझे लगता है लगभग दोनों टीम एक जैसी रही हैं। टोटल रन देखिए तो 217 बने और उधर उन्होंने 32 रन की लीड लेके 249 बनाए, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। लास्ट के टेलेंडर्स ने, टिम साउदी ने और काइल जेमिसन ने कुछ रन बनाए जिसके कारण से ये थोड़ा सा लीड हुआ। उसके बाद बैटिंग में अगर हम देखेंगे तो वैसे ही लगभग 2-3 ओपनर्स ने थोड़ी थोड़ी रन बनाए, उसके बाद में हमारे यहाँ से रहाणे ने और कोहली ने रन बनाए, और टेल एंडर्स ने थोड़े थोड़े 10-10-15 रन की अश्विन ने और जडेजा ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे न्यूजीलैंड की बात करेंगे तो लेथम ने और कॉनवे ने दोनों ने लगभग सिमिलर रन बनाए, एक सिंगल
पुट्ठी बनाई कॉनवे ने, उसके बाद में केन विलियमसन ने रन बनाए, काइल जेमसन ने थोड़े रन बनाए और टिम सौदी ने 30 रन का किया। तो बैटिंग भी लगभग सिमिलर रही। दोनों टीमों को इस समय डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होगा। जहां तक अभिषेक ने टॉस का सवाल बोला कि टॉस क्यों इंपॉर्टेंट थी, टॉस इंपॉर्टेंट फर्स्ट इनिंग के लिए ज्यादा होती है कि उसी समय एटमॉस्फेरिक कंडीशन आपको हेल्प करती है कि आप दूसरी टीम को जल्दी से जल्दी आउट करें या आप ज्यादा रन बनाएं। अगर आप टॉस जीत के बल्लेबाजी करते हैं तो आपका एम होना चाहिए कि आप 400 रन बनाएंगे, और अगर टॉस जीत के आपने दूसरी टीम को बल्लेबाजी के लिए इनवाइट किया है तो आप उनको 200 रन पे आउट करेंगे, ताकि आपकी टीम जो है थर्ड डे, जो सेकंड डे और थर्ड डे में जो आपको बेटर बैटिंग कंडीशन मिलती है उसको यूटिलाइज करते हुए आप अच्छे तरीके से अपने ज्यादा रन बनाए और इजिली आपकी टीम जीतने की पोजिशन में रहे। मुझे लगता है कि ये टॉस जीतने के बाद न्यूजीलैंड ने लगभग वो एडवांटेज गंवा दिया था, ये जो वो चाह रहे थे फर्स्ट डे के ऊपर नहीं कर पाए, बट बाद में फिर भी ठीक है, देर से आए दुरुस्त आए वाली कहानी करके 217 पे उन्होंने इंडियन बैटिंग टीम फेल होने के कारण से एक सेशन में 71 रन दे के 7 विकेट ले लिए। बट आज अगर हम बात करेंगे तो आज मुझे जो मैं रीड करता हूँ इस विकेट को, मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट सेशन के पहले 4-5 ओवर, क्योंकि बैट्समैन नए हैं वापस से आएंगे, रेस्ट कर आएंगे, उन सिचुएशन के हिसाब से उस कंडीशन के हिसाब से अपने आपको ढालना, अपना ब्लड सर्कुलेशन बॉडी का होना, कंसंट्रेशन करना, अगर वो 3-4 ओवर तक अगर विकेट इंडिया का नहीं गिरता है तो मुझे लगता है कि अब ये परफेक्ट बैटिंग विकेट हो चुका है। कल जो 30 ओवर इंडिया ने खेले, जैसा मैंने पहले भी कहा कि उसमें मुश्किल से कुछ बॉलें स्विंग हुई थी, काइल जेमिसन जो पहली इनिंग में इतने डेडली डिवास्टेटिंग लग रहे थे उनकी बॉल बहुत नॉर्मल लग रही थी, ऑर्डिनरी लग रही थी और आराम से बल्लेबाज उनको खेल पा रहे थे। फर्स्ट इनिंग में ही वॉज लिटली अनप्लेबल, उनकी बॉल एक भी इस लायक नहीं थी कि बल्लेबाज उसको कॉन्फिडेंटली खेल पा रहा था, लग रहा था कि हर बॉल के ऊपर विकेट ले लेंगे। और कल के उनके स्पेल में 8 ओवर गए, कहीं एक बार भी नहीं लगा कि काइल जेमिसन ये वही है जिन्होंने 5 विकेट लिए थे और इंडिया के लिए थ्रेट बन सकते हैं। तो मुझे लगता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बैटिंग परफेक्ट विकेट है और कप्तान कोहली भी इसके ऊपर रिस्क नहीं लेंगे। 200-250 जब तक उनको नहीं लगेगा कि हाँ अब 30 ओवरों में ये 200 रन नहीं बना पाएंगे तो तब तक वो इंडिया बैटिंग करती रहेगी, अनलेस अंटिल न्यूजीलैंड उनको बोल्ड कर दे। तो वी आर गोइंग टू सी ए गुड बैटिंग विकेट टुडे और मुझे लगता है कि मोर और लेस जो है इसमें जॉइंट विनर डिक्लेयर होना चाहिए। देवाशीष सर, एक खिलाड़ी की हम बात करेंगे, चेतेश्वर पुजारा। ये कंडीशन देखा जाए तो इस तरह के खिलाड़ियों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि राहुल द्रविड़ के बाद यदि द बॉल के तौर पर टेस्ट क्रिकेट में हम किसी को जानते हैं जो विकेट पर एक छोर बनाए रखता है तो वो है चेतेश्वर पुजारा। आज मैच को बचाए रखने के लिए या बनाए रखने के लिए इस खिलाड़ी का विकेट पर रहना कितना ज्यादा जरूरी है? नहीं, बहुत जरूरी है। देखिए, अगर ऑस्ट्रेलिया टूर में भी देखेंगे तो एक बहुत जिम्मेदारी वाली एक इनिंग चेतेश्वर पुजारा की हमने देखी थी, जहां उन्होंने लिटरली मैच को बचाया था। ये कंडीशंस ऐसी हैं कि किसी भी एक को, या विराट हो या चेतेश्वर पुजारा हो, उनको जिम्मेदारी के साथ अपना एक एंड लेके चलना पड़ेगा, जिसमें मुझे लगता है कि पुजारा, चूंकि पहले इनिंग में भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा दब के ना खेलें, उनका जो गेम है वो अपना समय लेते हैं, ज़्यादा बॉलें खेलते हैं और जब तक उनको कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं कि उस पे मैं स्ट्रोक खेल सकता हूं तब तक वो नहीं खेलते हैं। लेकिन ये कंडीशन ऐसी है कि जहां पे थोड़ा सा आपको रिस्क, देखिए हम न्यूजीलैंड बैट्समैन की भी बात कर रहे थे और हम जो इंडियन बैट्समैन थे जिन्होंने रन बनाए उनका भी यही था कि थोड़ा रिस्क आपको लेनी पड़ेगी। रिस्क इन द सेंस बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाना, आउट ऑफ बॉक्स नहीं जाना है, लेकिन कुछ स्ट्रोक्स को आपको बनाना पड़ेंगे, खेलना पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि प्रेशर ना रखें और फ्री होकर बैटिंग करें। फिर अगेन, ये बहुत क्रुशल पहला सेशन है और यही बताएगा कि मैच किस करवट बैठेगा। अब चूंकि मैच शुरू होने वाला है तो जाते जाते आप सभी से शॉर्ट में एक आंसर चाहूंगा कि क्या आपका सर अनुमान कहता है कि क्या इस मैच में नतीजे निकलने वाली स्थिति है या फिर संयुक्त विजेता? मुझे तो संयुक्त विजेता ही लगता है, अनलेस अंटिल इंडियन बल्लेबाजी जो है वो धराशायी हो जाए। हर एक चीज़ मुझे लग रहा है कि बैटिंग के फेवर में इस वक्त दिख रही है, पर क्रिकेट फिर भी निश्चितताओं का खेल है, किसी समय कुछ भी हो सकता है। बट मैं अगर किसी चीज़ को अभी देखूंगा तो मुझे लग रहा है दोनों जॉइंट विनर हैं। सर, डेफिनेटली अभी की परिस्थितियों को देख के यही हम कह सकते हैं कि कोई भी टीम अननेसेसरी जोखिम लेना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि एक बहुत खूबसूरत चीज़ यहाँ पे है कि आपको जॉइंट विनर्स हैं, आपके पास वो ट्रॉफी रहेगी। ये नहीं कह सकते कि मैं हारा या मैं जीता,
तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी सिचुएशन में कोई भी टीम एक्स्ट्रॉर्डनरी रिस्क लेके और खेलने की कोशिश नहीं करेगी। फिर भी ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग बना रहेगा, सांसें थमेगी, सांसें उठेंगी और मजा आएगा। आपको मालूम, आपको ध्यान हो तो पहले वो कमेंटेटर कहा करते थे कि जो दिल के मरीज है वो दिल संभाल के रखे, तो यही स्थिति अमूमन पूरे मैच में रहेगी कि थोड़ा सा अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे। और यही खूबसूरती है, यही खेल की खूबसूरती, यही क्रिकेट की खूबसूरती, यही टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती है। और ये रियल टेस्ट जो आपने नाम दिया है वो रियल, वाकई रियल टेस्ट है। तो रियल टेस्ट का रियल डे है क्योंकि आज तय होगा कि आखिर कौन है सिरमौर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। वैसे हमारे एक्सपर्ट मान रहे हैं कि चूंकि समय आज लास्ट डे है, रिजर्व डे है, बारिश ने थोड़ी सी खलल डाली है, तो संयुक्त विजेता हो सकते हैं कंडीशंस के लिहाज से, मैच की परिस्थितियों के लिहाज से। लेकिन क्रिकेट और मौसम दोनों ही अनिश्चितताओं से भरे होते हैं, तो अब देखना खास होगा कि आखिर केन विलियमसन आज किस तरह से रणनीति के साथ अपने गेंदबाजों का उपयोग करते हैं, जो कि पहली पारी जब भारत की थी उनके खिलाफ काफी कारगर साबित हुए थे, तो दूसरी तरफ भारतीय टीम ने भी पलटवार अपने गेंदबाजों के साथ किया था। लेकिन अब जरूरत है बल्लेबाजी की, जो इस विकेट पर थोड़ी मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं, ये विराट सेना ने भी कर बता दिया है। तो बहुत खास दिन है, बने रहिए हमारे साथ डीजीएनएल न्यूज पर और देखते हैं कि आज इस महामुकाबले के महादिन में क्या कुछ खास हो सकता है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।